सो फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं एक माइनस और इधर एक प्लस जो कि स्टीयरिंग व्हील के जस्ट पीछे है, थोड़ा सा छुपा हुआ है। एक्चुअली ये जो है ये पैडल शिफ्टर्स हैं और इसी के बारे में आज जानेंगे कि एक्चुअली ये पैडल शिफ्टर्स होते क्या हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इसका इस्तेमाल करना जानते होंगे और बहुत सारे लोग हैं जो इसका इस्तेमाल करना नहीं जानते होंगे। सो जो लोग जानते हैं वो इस वीडियो को इग्नोर करें और जो लोग नहीं जानते वो इस वीडियो को पूरा देखें। सो आज के वीडियो में यही जानेंगे कि इसे कैसे यूज़ करते हैं। सो गाइज, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब कभी भी मैं ऐसी वीडियोज लाऊँ तो आप सबको उसकी नोटिफिकेशन ईजिली मिल पाए। सो हेलो व्यूअर्स, दिस इज मनजीत सिंह एंड यू आर वाचिंग वुली राइड ब्रदर्स। सो गाइस, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, मैं हूं अभी किया के शोरूम में जो कि गोवर्धन किया मुजफ्फरपुर में है। सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, यहां के जो शोरूम मैनेजर हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे परमिशन दिया इस टाइप की वीडियो बनाने के लिए। सो अगर आप लोग भी किया में इंटरेस्टेड है, किया के कार्स वगैरह लेने में, तो आप लोग गोवर्धन किया विजिट कर सकते हैं। यहां का फुल एड्रेस और फोन नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो क्या है कुछ खास, देखते हैं। चलो, सो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक चीज़ बता दूँ, अभी जो है क्या, मेरे पास अभी अच्छे कैमरे नहीं है, एक्शन कैम से शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी हो सकता है अच्छा ना हो, लेकिन चलिए समझने की कोशिश करते हैं क्या है नहीं है। सो उस हिसाब से सबसे पहले जो मैं बात करता हूँ, ये पहले तो पैडल शिफ्टर जो होते हैं वो ऑटोमेटिक कार में होते हैं। आप देख सकते हैं नीचे सिर्फ और सिर्फ एक्सेलेटर और ब्रेक पैडल ही है, आपको क्लच पैडल कहीं भी नहीं है। तो ये चीज़ आप कन्फर्म हो जाए क्यों रोहित जी? बिल्कुल, ये सिर्फ, हाँ बताइए, पैडल शिफ्टर जो है वो सिर्फ ऑटोमेटिक गाड़ी में ही आएंगे। जैसे मैनुअल में तो क्या गियर आप लगा रहे हैं, ओके, लेकिन ऑटोमेटिक में पैडल शिफ्टर का काम ही है कि गियर आपको बढ़ाना है या घटाना है, ओके, मैनुअली शिफ्ट करने की। सो गाइस, जैसा कि अभी रोहित जी हैं, इनकी मदद से हम जानेंगे, क्योंकि मुझे भी कई दफा क्या है ना कि मेरे मन में सवाल आया कि पैडल शिफ्टर एक्चुअली होता क्या है, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो आना चाहिए। तो मेरे पास भी उतनी जानकारी नहीं है, सो मैं रोहित जी का हेल्प ले रहा हूँ, ये समझाएंगे, जो जो मुझे लगेगा मैं वहाँ पूछ लूँगा। आप लोगों को भी लगता है जो भी सवाल जवाब है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर इनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप इनसे पूछ सकते हैं फ्री टाइम में, ओके। सो रोहित जी, ये तो हम जान गए कि जैसे सबसे पहले ये जो है क्या है, आपको ऑटोमेटेड कार ही होना चाहिए या फिर ऑटोमेटिक कार में ही आपको ये चीज़ मिलता है, ये फंक्शन मिलता है। तो जो भी आपकी जो भी कार है, किया हो या फिर कोई भी कंपनी हो, तो उसमें आपको जो टॉप मॉडल है या फिर जो भी ऑटोमेटिक जो कार आती है उसमें पैडल शिफ्टर्स आपको मिल जाते हैं, ओके गाइज। सो चलिए जानते हैं ये कैसे काम करता है। सो यहाँ पे शायद ये गियर से एक्चुअली स्टार्ट होता है, यहीं से इसका जो प्रोसेस है आपका, ओके, गियर नॉब हो गया, ये जी गियर में मोड्स देख रहे होंगे आप, ये हो गया पार्किंग जी, फिर रिवर्स, फिर न्यूट्रल और ड्राइव, ओके, और ये हो गया स्पोर्ट्स, या फिर किसी किसी गाड़ी में ये मैनुअल मोड का भी लिखा रहता है, ठीक है, ओके। जैसे कि गाड़ी स्टार्ट करते हैं, ड्राइव पे आप ला रहे हैं, ठीक है, ये बटन दबा के जो है ये ड्राइव पे आता है, ठीक है, ओके। ड्राइव पे आ गया, ड्राइव इंडिकेटर आपको ऑन हो गया। अब ड्राइव पे क्या, ऑटोमेटिक गाड़ी में आप ड्राइव कर रहे हैं जी, रेस दबा रहे हैं, स्पीड के अनुसार गियर जो इसका जी अप हो रहा है या फिर डाउन हो रहा है, ब्रेक लगा रहे तो गियर डाउन हो रहा है और रेस दे रहे हैं, स्पीड के अनुसार गियर अप हो रहा है, अप हो रहा है। लेकिन अगर चाहिए आपको मैनुअल गाड़ी का मजा जी जी ऑटोमेटिक कार में, कि नहीं हमको पावर पिकअप थोड़ा ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए, ओवरटेक करना है हमको अचानक, सडन पावर चाहिए जी, तो मैनुअल गाड़ी में क्या, हम लोग गियर डाउन किए पावर मिल गया जी जी, लेकिन ऑटोमेटिक में ऐसा कुछ है नहीं, वो अपने हिसाब से करता है, वो अपने हिसाब से करता है जी जी। तो उसी चीज का फील लेने के लिए ये पैडल शिफ्टर्स आपको इसमें दिए गए। सो गाइज, मैं आपको क्लियर कर दूं कि जैसे कि आप मैनुअल कार चलाते हैं तो आपको क्या है कि उसका आदत है, तो आप बार बार क्या होता है क्लच का भी इस्तेमाल करते हैं, गियर भी बार बार लगाते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे कि आपका जो ऑटोमेटेड कार है, जब आप चलाते हैं तो अपने हिसाब से चलता है, आपने अगर कभी चलाया हो तो आपको पता होगा, जैसे कि अगर हाई स्पीड करते हैं तो सिर्फ आपको एक्सेलेटर दबाना है वो अपने आप स्पीड बढ़ा लेती है, या फिर लो करना है तो आपको ब्रेक दबाना है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेती है, आपको कोई भी क्लच या फिर गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आप चाहते हैं कि थोड़ा सा गियर का मज़ा लिया जाए, थोड़ा सा क्या है कि मैनुअल का फील लिया जाए, तो उस हिसाब से आपको ये जो लीवर है इसको पुश करके आपको ये जो एस जो मोड दिख रहा है स्पॉट मोड, इसमें आपको करना है, और किसी किसी में डी भी लिखा रहता है, तो डी प्लस जो भी है, तो इसको पहले आपको लीवर को इस साइड कर लेना है, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका जो है आपको इसको ड्राइव पे लाना है, अच्छा ड्राइव पे करके पीछे लाना है, ओके, ये ड्राइव पे आ जाएगा, फिर एक बार अपने साइड इसको खींच लेना, ओके। तो जैसा कि इन्होंने बताया रोहित जी, तो इसको लाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जो स्पॉट मोड में जब चला जाएगा, उसके बाद क्या करना है कि आप अपने हिसाब से यहाँ जो एक माइनस का देख रहे होंगे आप, यहाँ पे एक लीवर है, यहाँ पे एक प्लस का है, तो उस हिसाब से क्या कर सकते हैं, आपको जब ज़रूरत हो, जैसे कि मान लीजिए आपको हाई स्पीड करना है तो आप प्लस दाब दीजिएगा तो एक गियर चेंज हो जाएगा, और आपको लगता है कि माइनस मतलब गियर कम करना है तो आप उस हिसाब से आपको इसको माइनस की तरफ
ये कर लेना। अच्छा रोहित जी, मेरा एक सवाल ये है कि जैसे चलते गाड़ी में, हाँ, जैसे होता है ना कि चलते गाड़ी में इसको एक्टिवेट कैसे करना है, ये चीज को कंफर्म कैसे करेंगे? चलते गाड़ी में जैसे आप डी पे चला रहे हैं, अच्छा, ड्राइव मोड पे गाड़ी चल रही है, जी जी, अब आपको लाना है इसको मैनुअल मोड, जी जी, कुछ नहीं करना है, बस एक बार इसको अपनी तरफ इसको खींच लेना है तो ऑटोमेटिक वो चली जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, पैरा शिफ्टर पे शिफ्ट हो जाएगी। की गियर है, इंटरनली गियर रहता है ऑटोमेटिक, जी जी ठीक है। मान लीजिए वो तीसरा पे गियर पे चल रहा होगा अगर 40 स्पीड पे, तो वो आपको वहाँ शो करेगा D3। अच्छा वहाँ पे D3 शो करेगा, D3 शो करेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर हम इसको यहाँ पे अगर स्पोर्ट मोड में लगा दिए, या फिर किसी किसी में डी और डी प्लस है, ये चीज का आप ध्यान दीजिएगा। काफी लोग हो सकता है ना कि डी पे लगा के ही पैरा शिफ्टर का यूज कर रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा। इसके बगल में भी एक और सिंबल होता है, किसी किसी कार में अपना अपना जो है ना, क्या बोलते हैं, जो भी लेटर जो अपने हिसाब से जो कंपनियां यूज करती हैं, तो ये चीज को आप एक बार चेक कर लीजिए कि ड्राइव मोड से अलग मोड में हो, जैसे इसमें स्पोर्ट मोड में लगाने के बाद ही पैरा शिफ्टर निशान भी आपको दिया हुआ है, प्लस का एक माइनस। हाँ, ये चीज देख सकते हैं आप कैमरा में, हो सकता है विजिबल ना हो उतना, प्लस और माइनस का यहाँ पे निशान दिया गया। सो इसको उसमें लगाने के बाद जब आप इसको पैडल शिफ्टर होता है ना कि आप इसको जब माइनस या प्लस करते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि कितने गियर में है, तो वो आपको जो है मीटर में शो करेगा कि आपकी जो गाड़ी है 3 नंबर गियर में चल रही है या फिर 2 नंबर। जैसे आप चाहते हैं ना कि ऊंची ब्रिज है उस पर आप चाहते हैं कि 2 नंबर में चढ़ाएं, लेकिन ऑटोमेटेड में आप ऐसे ही एक्सलेटर दबा रहे हैं, आपको लग रहा है कि पावर लैक हो रहा है, तो आप तुरंत इसको क्या करें कि स्पॉट मोड में डाल के आप क्या करें यहाँ पे पैडल शिफ्टर का यूज़ कर ले, ताकि जो है गियर आपके हिसाब से लग जाए। जैसे 2 नंबर में चलाना आप 2 नंबर में चलाएं, 3 नंबर में चलाना आपको 3 नंबर में चलाएं, ठीक है। तो ये मैनुअल का फील ले सकते हैं, ऐसा ही है ना कुछ? हाँ बिल्कुल, जैसे लेफ्ट साइड हो गया आपका माइनस, बस एक पुल करना है माइनस होगा गियर, ओके, और राइट साइड पे अगर पुल करते हैं तो गियर आपका बढ़ेगा, ओके। तो गाइज ये जनरली जो है आपके हैंड में ही कंट्रोल दिया गया है, तो ऐसा नहीं है कि आपको क्या है कि पैरों से इसे इस्तेमाल करना है, बिल्कुल हाथ में आपको इसको नॉर्मल भी आप आराम से चाहे तो यूज कर सकते हैं। सो अगर होता है मेरे पास, अगर की आता है तो मैं इसको बता दूंगा वीडियो में, अगर नहीं मिलता है तो आप वीडियो में समझ ही पाएंगे। और आपको कोई भी ऐसा सवाल अगर लगता हो इससे रिलेटेड, अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। सो गाइज एक और चीज़ जो है कि जो खास बात है मैं बताना भूल गया था, जैसे कि क्या है ना कि पैडल शिफ्टर क्या है कि हर ऑटोमेटेड कार्स में आपको मिलती नहीं है, ठीक है, वो किसी किसी मिलती है, वो कंपनी पर डिपेंड करती है। लेकिन क्या है कि जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि पैडल शिफ्टर ना है और फिर भी आपको मैनुअल का मजा लेना है, तो रोहित जी इसको कैसे करेंगे यहाँ पे बता देंगे? ड्राइव मोड पे आप गाड़ी चला रहे हैं, जी, ड्राइव मोड पे आने के बाद बस अपने साइड एक पुल करेंगे, जी, आपको एस पे या फिर हो सकता है आपकी गाड़ी में एम लिखा हो या फिर डी प्लस लिखा हो, इस पे स्विच हो जाएगा, ओके। फिर आप जैसे उसको अप करते हैं, एक बार आगे पुल करते हैं तो एक गियर लग जाएगा, बढ़ेगा, हाँ? प्लस हो जाएगा, और अगर डाउन पुल करते हैं तो एक गियर घटेगा, घटेगा, ओके। तो गाइस जैसा कि क्या है कि मान लीजिए कि आपकी ऑटोमेटेड कार है, सिंपली समझिए, और उसमें पैडल शिफ्टर नहीं है और फिर भी आप मैनुअल का मजा लेना चाहते हैं, मतलब ये तो हो गया कि आपको पैरल शिफ्टर्स हैं और ऑटोमेटेड कार्स हैं, इसमें जो है तो आपको ये लगा देंगे मोड में और फिर यहाँ से कंट्रोल करेंगे। लेकिन मान लीजिए आपके जो कार्स में है वो पैरल शिफ्टर नहीं है, तो आपको कन्फ्यूजन होगा ना कि हमको मैनुअल का कैसे मजा लेना है, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। उसमें यही होगा कि आप यहाँ से कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है आपके पास, यहाँ पे लीवर नहीं है। तो आपको क्या करना है कि ये जो नॉब है इसको यहाँ पे एम प्लस या फिर एस प्लस जो भी है इस मोड में ला करके आपको यहीं से आपको गियर लगाना है। जैसे ये आप ऑटोमेटेड में डी पे लगा के छोड़ देते हैं ना, सिर्फ आगे की तरफ आप एक्सलेटर देते हैं, लेकिन इसमें क्या करना है, जब इस पे लाएंगे ना तो आप एक आगे करेंगे तो आपका एक गियर लगेगा, मतलब आगे बढ़ेगा, और एक पीछे करेंगे तो एक गियर पीछे होगा। जैसे मान लीजिए कि आप 2 पे लगाए हैं, एक बार आगे करते हैं तो 3 हो जाएगा, और एक बार पीछे करते हैं तो 3 से 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप मैनुअल का मजा ले सकते हैं। सो यही था मुझे एक लगा कि इस चीज बताने की, इसमें ये नहीं सोचेगा कि अगर हम ज्यादा डाउन कर देते हो तो मेरा गाड़ी न्यूट्रल हो जाएगा। अच्छा अच्छा, न्यूट्रल नहीं होगा, वो पहला गियर पे रहेगा, कितना माइनस करेंगे तो वो D1 पे चला जाएगा, D1 पे चला जाएगा। अच्छा, न्यूट्रल के लिए आपको न्यूट्रल करना ही पड़ेगा, फिर इस साइड ला के न्यूट्रल पे आना, ओके। सो गाइस ये चीज भी जो जानना था आप जान सकते हैं कि जो है आपको न्यूट्रल करना है, तो ऐसा नहीं कि आप बार बार नीचे कर रहे हैं तो आपका गियर डाउन हो गया और आपको कन्फ्यूजन हो गया, अरे मैं तो सबसे कम किया था तो न्यूट्रल लग जाए, ऐसा नहीं है। आपको न्यूट्रल पे लाने के लिए इसको इधर पुल करके आपको न्यूट्रल जो यहाँ लिखा हुआ है N, यहाँ पे आपको लाना होगा, तभी ये गाड़ी न्यूट्रल हो जाएगी। अच्छा, कभी कभी ये होता है जैसे गाड़ी कभी कभी न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल में ही आपको पार करना चाहिए या फिर क्या लगता है कि पार्किंग में ही पार करना चाहिए ऑटोमेटिक कार्स को? ऑटोमेटिक कार्स को आपको हमेशा पार्किंग में ही पार करना चाहिए, ओके, क्योंकि बेसिकली क्या होता है आपका पार्किंग मोड है कि फर्स्ट गियर इंगेज कर देता है। अच्छा अच्छा अच्छा, इन केस आपका हैंड ब्रेक अगर फेल हो गया, फ्लूइड निकल गया तेल, हो सकता है गाड़ी आपका रोल बैक हो जाएगा इंक्लाइंड प्लेस पे, आगे या पीछे जा सकता है, ओके। इसीलिए आप पार्किंग मोड पे डाल दिए, पहला गियर इंगेज हो गया, टायर लॉक हो गया, अगर ब्रेक फेल भी होता है तो भी गाड़ी आपका वहीं पे रहेगा, ओके। सो गाइज ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जो पैडल शिफ्टर से रिलेटेड। सो रोहित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस चीज को बताया, ओके। सो यही है रोहित जी, आप इनसे मिलिएगा, जो भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं, ओके।
सो गाइज यही थी आज की वीडियो में जो पैडल शिफ्टर्स है कैसे काम करते हैं। सो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, लोगों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो लोग इस चीज़ को नहीं जानते पैडल शिफ्टर का कैसे इस्तेमाल करते हैं उनको ये वीडियो चली जाए और वो लोग भी इस चीज़ को समझ पाए। ओके सो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक शेयर और जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मिलते किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।